27 जुलाई नूं एक इंटरनेशनल समगलिंग रैकेट पकड़िया सी गुरदासपुर पुलिस ने, जिहदे विच FIR नंबर 139 दर्ज की सी PS दीनानगर, जिहदे कमर्शियल क्वांटिटी की रिकवरी हुई सी 18 kg हीरोइन। 3 व्यक्ति पकड़े गए सी, बिक्रमजीत सिंह, संदीप कौर ते कुलदीप सिंह। उसे दी जिहड़ी बैकवर्ड लिंकेज नूं इनवैसटीगेट करदे हुए गुरदासपुर पुलिस ने उत्थों दे SSP श्री हरीश कुमार दायमा ते उत्थों दे ASP दीनानगर, उन्हां दी अगवाई च एक टीम ने जाके JNK च पुलिस स्टेशन उड़ी च जाके कार्रवाई करदे हुए 5 व्यक्ति जिहड़े समगलिंग करते हैं इंटरनेशनल ड्रग्स की, हथियारों की, एक्सप्लोजिव की, उन्होंने अरैसट किया। और उन्हों तो 11,20,000 रुपए तो ड्रग मनी जिड़ी के इस कंसाइनमेंट की एवज उन्होंने मिली सी, उत्थे लोकल पुलिस ते आर्मी की हेल्प नाल लैके बड़े ही डिफिकल्ट इलाके जाके बिल्कुल LOC के उत्ते रिकवरी की है। और एक ग्लॉक पिस्टल, 2 मैगजीन ते 46 जिंदा कारतूस। ये तफ्तीश अजे जारी है। इस तफ्तीश का एक लिंक एक मोगे जिले का स्मगलर है जिहड़ा इस टाइम USA है, उहदे नाल भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। साडी जिहड़े व्यक्ति 5 पकड़े ने, ये व्यक्ति इन्हों का रिमांड लैन लई पेश किया। अज इन्हों का रिमांड लैके होर भी जिहड़ियां हुण तक कंसाइनमेंट्स आई ने और कित्थे गई ने, कित्थों आई ने, इहदे बारे तफ्तीश लिया अस अमल च लिया जाऊ। सर, कोई हैरोइन बरामद हुई है? ये जिहड़े व्यक्ति ने ये हीरोइन की कंसाइनमेंट जिहड़ी 18 किलो दित्ती सी वो इन्होंने ही दित्ती सी। वो 18 किलो हीरोइन इन्हों वालों ही दित्ती गई सी, जिसकी लड़ी ची उहदे जिहड़े हथियार सीगे एक ग्लॉक पिस्टल उस कंसाइनमेंट चो इन्होंने रख लिया सी, ते ड्रग मनी सीगी इन्हां कोले। इहदे च वी कोई ड्रोन दा इस्तेमाल होया जी पाकिस्तान चलाई सी? नहीं, हुण तक दी जिहड़ी पुछगिछ है उहदे विच ड्रोन दा इस्तेमाल उत्थे नहीं होया। उत्थे क्योंकि LOC ते बॉब्ड वायर नहीं है, सो पहाड़ी इलाका है। मैं थोड़े नाल वीडियो भी शेयर करूँगा जिस तरीके दे नाल साडी पुलिस पार्टी नूं 2-2, 3-3 घंटे बखरी बखरी जगह तो एक कंसाइनमेंट मिलिया ने। पैसा 10 लाख एक जगह तो मिलया, 1 लाख एक जगह तो मिलया, तो उन्होंने 2-2, 3-3 घंटे की ट्रैकिंग करके जाके ये बरामदगी हुई है। मुढ़ले तौर पर इन्होंने दसिया कि इन्हों पिछले 2 महीने तो जिहड़ी कंसाइनमेंट आ रही सीगियां, पर कन्फर्म करांगे हुण इन्हां तो कि किन्नियां कंसाइनमेंट इन्होंने दित्तियां। इन्हों का जिहड़ा लिंक हैगा, क्योंकि हथियार इन्हों दे तो बरामद होए ने, इन्होंने उस मन्निया कि होर हथियार भी सीगे, तो VR इनवैसटीगेटिंग दी टैरर है। ग्लॉक है जी, ग्लॉक इज अ जर्मन मेस। इन्हों ते जिहड़े जम्मू एंड कश्मीर वाले व्यक्ति ने, इन्हों ते जिहड़ा एक व्यक्ति है फयाज अहमद, उन्हों असी जेल चो हुण लैके आए हैं अज प्रोडक्शन ब्रांच से, ते वो किसी उहदे च कस्टडी च सीगा केस च। बाकी जिहड़े 4 व्यक्ति ने इम्तियाज अहमद, मुख्तियार अहमद, मुहम्मद रवील ते नफीज अहमद, ये व्यक्ति दैनी सायदा पिंड है कुत्थे दा, ते दूजा कमल कोट, ये दोनों पुलिस स्टेशन उड़ी दे पिंड ने जिथों इन्हां नूं असी अरेस्ट किया। कश्मीर आले पासे तो लगातार जिहड़ा हैगा ड्रग्स की सप्लाई और हथियारों की सप्लाई होंदी है, क्योंकि जे तुहानूं याद होवे इस तो पहला एक असी मॉड्यूल गुरदासपुर पकड़िया सी, दैट कंसाइनमेंट आलसो केम फ्रॉम जम्मू बॉर्डर। ये असी पुछगिछ कर रहे हैं, रिकवरी के चांसिज है
ਬਟ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਨਵੋਲਵ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਯੈਸ, ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਅਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਨੇ ਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਫਾ 27 ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੋਇੰਦਵਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੇਨ ਕਿੰਗ ਪਿੰਸ, ਹੀ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਦੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਰਡਰਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦੈਮ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਪਲਾਈਂਗ। ਵੀ ਵਿਲ ਰਿਵੀਲ ਯੂ ਐਜ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਰਿਵੀਲਿੰਗ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੋਊ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕੇਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ। ਸਰ